इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। मामला स्कीम नंबर 136 का है, जहां पर 122 परिवारों को प्लॉट आवंटन नहीं हुआ है और 66 परिवार ऐसे हैं जिनका नाम लॉटरी में नहीं आया है। गुरुवार को इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्कीम नंबर 136 में प्लॉट नहीं दिए जाने को लेकर अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों से जवाब मांगा। कई केसेस हैं जिसमें प्लाट पैसे जमा है, उनकी लाटरी भी नहीं, कहीं लाटरी नहीं, पर जिनकी लाटरी भी हो गई सब हो गया, तो देने में क्या तकलीफ, और तालों से ही भटक रहे हैं। अब बोर्ड के लिया जाता है कि बोर्ड में बैठक में तय नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, पैसे जमा होने के बाद क्या तकलीफ। 136 अभी बात हुई ना, विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि जिन 122 परिवार वालों ने फ्लैट के पूरे पैसे दे दिए हैं, तो उन्हें प्लॉट देने में क्या तकलीफ आ रही है। कितने लोगों की लॉटरी का सब हो गया, पैसा भी पूरा जमा है, अपन ने तो आधे पैसे वालों को प्लॉट अलॉट कर दी, उनके पूरे पैसे जमा है, उसके बाद भी अलॉट नहीं, पूरे पैसे जमा लोगों का भूखंड भी उपलब्ध है साहब, उसी साइज के भूखंड आपके पास उपलब्ध देने के लिए। जो कब्जे में साहब, तो वो हमसे क्या लेना, कब्जा किसने किया है, हमका क्या स्कीम नंबर 136 में जिन परिवार वालों की लॉटरी लगी है, उनका कहना है कि वहां कई लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उन्हें पूरा पैसा जमा करने के बाद भी प्लॉट नहीं दिया जा रहा है। योजना क्रमांक 136 में 122 प्लाटों की लॉटरी हो गई, लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा है, और 66 प्लाट ऐसे हैं जिनकी लॉटरी में भी नाम नहीं लिया, लोगों की किस्त पूरी हो गई है, पैसे भर दिए हैं लोगों ने, अपने किराए से दे रहे हैं, कैसे तैसे करके लोगों ने अपना पेट काट करके किस्तें भरी, लेकिन आधे पे अभी कब्जा दे रहे हैं। आज माननीय विधायक जी के साथ में आए थे, हमारे हम लोगों की बात सुन भी नहीं रहे, ना हम लोगों का विषय रख रहे हैं, ना हम लोगों की बात सुन रहे हैं, इसलिए माननीय विधायक जी के साथ में हम लोग गए, विधायक जी ने हमारी बात रखी, और बात पे अब निर्णय करने की वो लोग सहमति उनने दी है कि आज इस विषय को रख करके इस पे निर्णय करेंगे। इस मामले में कलेक्टर पी नरहरि ने कहा कि वे मीटिंग में पूरे मामले को गंभीरता से लेकर इसका समाधान निकालेंगे। ये कोर्ट जाए कुछ करें, अपना बात कर लेंगे आज। पैसे जमा होने के बाद लोगों के आधे आधे पैसे उनको प्लाट अलाट हो गए, लोगों ने कब्जा दे दिया, सब तक इनका पूरा पैसा है, इनको कब्जा नहीं दिया। और ये हुआ कि पहले से पूरा बोर्ड में आएगा, और बोर्ड में हमने प्रस्ताव भेजा है, आईडीए की ढील पोल के चलते रहवासियों को अधिकारियों के सामने गुहार लगानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।